क्या कर दोगे? लालन सिंह ने कहा है कि 2024 तक बिहार की जनता बीजेपी को खार फेंकेगी। बीजेपी बात कर रहा है, गृह मंत्री को भी कह रहे हैं कि आप आगामी चुनाव तक आके बैठ जाइए राजभवन में। राजभवन को अपना ऑफिस बना राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, तो कहीं बना लो, उनका तो अस्तित्व तो है नहीं, उस पर क्या बोलना है। बोला जाता है जिस नेता का कोई धन हो, ये लोग एक राजा के सिपाही है, इससे ज्यादा कोई राजनीति घोषित नहीं है। नहीं, एक तो आप कह रहे हैं 2025 की बात कर रहे हैं और 2024 की बात कर रहे हैं, ललन सिंह सीधा सीधी हो क्या? अरे है कौन वो? वो है कौन? वो अपने बातों में बोलते रहे कि वो है क्या, वो तो खुद ही बताते हैं। इसलिए हम वैसे व्यक्ति का जवाब देते हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति का कोई राजनीति को अस्तित्व नहीं हो, उस पर चर्चा करके हम अपना टाइम खराब नहीं करते। बीजेपी मुख भाग की बात कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग बीजेपी मुख भाग। अरे अभी तो चुनाव में हराए हैं, अभी तो 3 चुनाव हुआ था, कोई अमित शाह जी नहीं आए थे, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं आए थे, तब तो इस सर जमीन पर हरा के दिखा दिया। और आगे भी गारंटी देता हूँ, ये जितने नाम आप बोल रहे हैं ना, उन लोगों का खाता नहीं खुलने वाला है। तमाम पार्टियों के नेता देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट हमने कहा, ये सबके साथ सबके विकास की चर्चा है। हम 22 सीटों पर भी जीत कर गठबंधन जब हमने किया था तो 5 अपने सांसद की कुर्बानी दे दी। हम लोग इनके तरह नहीं है कि अपने ही सिर पेट पालना है, इसलिए हम जनता दल के औकात को जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार में कट पेट और राजनीति कट और पेस्ट की राजनीति करने वाली पार्टी है। एक आदमी आपको समता पार्टी वाला दिखता है क्या? कहा इन सबके चक्कर में पड़े हैं, कोई वहां विचारधारा है? नीतीश कुमार जी कब कहां किसके साथ चले जाएंगे, कोई राजनीति है क्या? नीतीश कुमार किसी भी रूप में बिहार की राजनीति में अस्तित्वहीन हो चुके हैं। अब तो पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, तुष्टिकरण कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है थोड़ा बीमार भी हो गए, बुजुर्ग है हमारे, हम तो उनकी सेवा करना चाहते हैं कि चलिए आपको कल्याण विधा में कुटिया बनाकर स्थापित कर दें। धर्मेंद्र जी से कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा तो जरूर हम लोग को संबोधन कर देंगे। कुछ नाम छूट गए हैं, हरे राम सिंह जी, रामचंद्र ठाकुर जी, संदीप शर्मा जी, कौशल किशोर साहनी। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं कि सभी लोग भाजपा के साथ आए, भाजपा को और मजबूत बनाए। अब महागठबंधन बिहार में अस्तित्वहीन हो चुका है। लालू नीतीश जी को 33 वर्षों से बिहार के लोग देखते देखते थक गए, अब कितना दिन देखें। एक ही व्यक्ति सत्ता में पिछले 17-18 साल से है और उसके पहले लालू जी 15 वर्ष तक थे, तो अब इन दोनों को देखते देखते लोग थक गए। बिहार की राजनीति को और सुंदर बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है, इस संकल्प के साथ आप भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता है खगड़िया से, राजू पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता है खगड़िया से, राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी संख्या में, राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी सदस्य बन गए हैं। ऐसे अपने उदय यादव जी आज जिनकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता होना है, ऐसे खगड़िया जिला के बहुत ही मजबूत साथी और दो बार जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लड़ा है, अपने ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार जी आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश जी के हाथ अध्यक्ष जी के हाथों से सदस्यता ग्रहण करें।
अरे सब एक बार सबों का नाम पढ़ देता हूँ। सुधीर यादव जी, सुधीर यादव जी, सुधीर यादव जी आपके प्रत्याशी थे पटना से। और सभी मंडल अध्यक्ष दो हृदय लेखन का कार्य पूरे प्रदेश में करने का काम करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में विस्तार से आपको दे भी दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में हमारे माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद, माननीय जो हमारे कार्य समिति के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं, सभी लोग पूरे प्रदेश में उनको लगाने का काम किया जाएगा। 7 तारीख को युवा मोर्चा के माध्यम से रोजगार ब्राह्मण शिविर का आयोजन किया जाएगा और सब भोज का भी आयोजन किया जाएगा। उसी तरह 8 तारीख को आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को अनुसूचित जाति जनजाति के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को 8 तारीख को पूरे प्रदेश में कराने का काम किया जाएगा। 9 तारीख को किसान मोर्चा के माध्यम से प्राकृतिक खेती के बढ़ावा के लिए और जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरे प्रदेश और देश में काम करने का काम किया है और नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं उस पर पैदल मार्च करके जन जागरण अभियान चलाने का भी काम किया जाएगा। 10 तारीख को महिला मोर्चा के माध्यम से जो दलित समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, उनके बीच में जाकर विधानसभा स्तर पर भोज का कार्यक्रम किया जाएगा। और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म जयंती के अवसर पर सभी जिले में खासकर ओबीसी मोर्चा और पार्टी के द्वारा जिले में संगोष्ठी स्थापित करने का काम किया जाए। 12 तारीख को चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से बस्तियों में शिविर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा और 13 अप्रैल को पार्टी और युवा मोर्चा के माध्यम से जो जलाशय है उसकी सफाई और वृक्षारोपण का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और 14 अप्रैल को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है उस दिन जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व और चरित्र पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को साफ कर मल्यार्पण करने का काम किया जाएगा। अध्यक्षों साथियों, भले अवेर 2 साल पर अध्यक्ष हमारे बदल जाते थे, अब तो 3 साल का कार्यकाल हो गया। नहीं तो इस पार्टी में लोकतंत्र ही लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल सकता। एक व्यक्ति बैठ गया तो यही बैठा रहेगा, दूसरी पार्टी जो भी आप देखेंगे एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल में पिछले 25-26 वर्षों से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जनता दल यूनाइटेड तो पॉकेट की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से निकालते हैं, तो वो पॉकेट वाली पार्टी है, उसमें उस पार्टी का कोई महत्व बिहार की राजनीति में अब नहीं रह गया। इसलिए हम बहुत स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री बनाया और लालू प्रसाद जी को भी पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। इसलिए अब 24 और 25 भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, इतना स्वस्थ करना चाहिए। मैं एक घोषणा करने के बाद विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। आज सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हमारा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यक्रम शुरुआत होने है। पार्टी का स्थापना दिवस हमारा 6 अप्रैल को है। उस दिन पूरे विस्तार से हम पूरे जिले की टीम, प्रदेश की टीम और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उस दिन
सभी बूथों के बूथ पर या तो टीवी के माध्यम से या वर्चुअल जुड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय सभी जगह पर 9:15 पर झंडोत्तोलन का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस दिन अपने 43 वर्ष पूरे करेंगे और 43 वर्ष पूरे करने के बाद उस तारीख को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। 9:30 बजे सभा स्थल पर सभी कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित होंगे और 9:45 पर 6 तारीख को 9:45 पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 बजे दिन में दीवार पर लेखन का काम करेंगे। पार्टी के विचारधारा, पार्टी के सिंबल, पार्टी के चीजों को लेखन के माध्यम से पूरे देश को समर्पित करेंगे। प्रदेश में हम लोग 12 बजे दिन में करेंगे। सारे चीजों की रिपोर्टिंग पार्टी के स्तर पर ये 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मनाने का काम करेगा। दूसरा जो आज विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं स्वागत कर रहा हूं इंजीनियर शैलेंद्र, इंजीनियर धर्मेंद्र जी हमारे खगड़िया के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। इसी तरह मनीष दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजू पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता है, उदय यादव जी राजद से भाजपा आ रहे हैं, अंबिका सिंह जी जदयू से भाजपा आ रहे हैं, पंकज कुमार जदयू से भाजपा आ रहे हैं, सीताराम सोनकार जी, रंजीत चंद्रवंशी जी जो जदयू से भाजपा में आ रहे हैं, रवि चौरसिया जी जाप से भाजपा में आ रहे हैं, कुंदन यादव निर्दलीय प्रत्याशी खगड़िया लोकसभा से थे उनको भी हम लोग भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं, राजू पासवान जी उनको ज्वाइन करा रहे हैं, पंकज सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता इनको ज्वाइन करा रहे हैं, कंतलाल पासवान जी उनको ज्वाइन करा रहे हैं, पिंकू पासवान जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर दिलीप कुमार, मोहम्मद करीम, मोहम्मद अलाउद्दीन जो राजद से आ रहे हैं, अमृत जायसवाल जी, दीनानाथ महंत जी, जनमय कुमार जी, गोपी साव जी, राजा राम जी, संजीव शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, सतीश शाह जी, अशोक यादव जी, दामोदर सिंह, सुधीर यादव जी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे इनको भी हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज दिलाने का काम कर रहे हैं। गुलशन कुमार जी वार्ड नंबर 37 के वार्ड पार्षद हैं, वो भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी में वन वे रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं उनको काम भी करना पड़ता है, संगठन को भी मजबूत करना पड़ता है। ये दूसरे पार्टियों के तरह ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी अखंड भारत का सपना लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1952 में चले थे और 75 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस मुद्दे पर समझौता नहीं किया कि अखंड भारत के सपने को साकार करने में हम पीछे हटेंगे। हम समय जरूर लगाते हैं लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से कमिटमेंट करते हैं हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमने सबका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सभी वर्गों के साथ बिहार के विकास की कल्पना करती है।
नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर निर्णय लिया है कि हम सबके साथ सबके विकास और सबको विश्वास करने की चर्चा करेंगे। और लगातार आपने देखा होगा आरक्षण भी जब जब इस प्रदेश में लागू हुआ तब तब भारतीय जनता पार्टी का रहा है। SC ST को यदि आरक्षण 1952 में मिला तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अम्बेडकर जी के साथ बैठ कर इस पूरे ड्राफ्ट को करने का काम किया। 1977 में भी जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब भी जनसंघ के रूप में सहयोग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को और पहली बार अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया गया। मंडल कमीशन सभी लोग जानते हैं, मंडल कमीशन में के समय 147 सांसद जनता दल के थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी का था और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को भी समर्थन करके इस देश में मंडलवादी व्यवस्था खड़ा किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जब भी SC ST एरोसिटी एक्ट का मामला आया तो उस पर भी चिंता किया, नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता किया। और जब इस देश में लगा कि स्वर्ण समाज के लोग भी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से गरीब हुए तो उसकी भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। साथियों, इसलिए हम सबके साथ सबके विकास की चर्चा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और 24 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कंधा 1980 से